तो आज हम नेटफ्लिक्स की एक ऐसी संस्कारी सीरीज की बात करेंगे जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन आप इंग्लिश में देखना पसंद करते हो तो इंग्लिश में देखना। और हाँ, इस सीरीज में आपको नए नए वर्ड देखने मिलेंगे। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें 8-8 एपिसोड देखने मिलेंगे, यानी कि टोटल 24 एपिसोड है। और सीजन 4 जल्दी हमें 2023 में देखने मिलेगा। सेक्स एजुकेशन सीरीज में सिर्फ सेक्स ही नहीं, इसके अलावा आपको सेक्स रिलेटेड एजुकेशन भी मिलेगा। तो सीरीज की पूरी कहानी कुछ स्टूडेंट्स यानी फ्रेंड्स के बीच में है, जिसमें आप मेव और ओटिस को साथ में देखने के लिए जाओगे। मेव की एक फ्रेंड है जिसका नाम इमी है, जो कि सिंपल है, लेकिन उसके केक बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और ओटिस का एक चुतिया फ्रेंड है जो ओटिस की लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता रहता है, और एक बार वो ओटिस की सीक्रेट बात सभी फ्रेंड्स में फैला देता है। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो तो उससे दूर ही रहना जो आपकी सीक्रेट बातें लीक कर देता हो। और एडम, रहीम और एरिक, ये तीनों गे है और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होती है। इस सेक्स एजुकेशन सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा कूल कैरेक्टर जीन मिलबर्न लगी, जो कि ओटिस की मम्मी जी है, और वो लोगों को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। मेव और ओटिस अपना एक क्लिनिक शुरू करते हैं जिसमें ओटिस अपने फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स को जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन देता है। और उसके पास इन सारी चीज की इन्फॉर्मेशन है क्योंकि उसकी मम्मी जी भी यही काम करती है। और साथ में ओटिन और मेव के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, जिसमें उस साले क्रिपल आइजेक का हाथ था और उसने जो किया था वो देखकर सच बोल रहा, मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा साले को बम से ही उड़ा देना चाहिए। और इसके अलावा रूबी, जिसका ओटिस के साथ कुछ समय के लिए कुछ कुछ था, और जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मेव और ओटिस को साथ में देखने के लिए रूबी का सेक्रीफाइस भी जरूरी था। लास्ट में जो नई प्रिंसिपल आई थी जिसने नए रूल्स बनाए थे, और वो सारे सीन भी अच्छे थे। इस सीरीज में आपको सभी की एक्टिंग टॉप की लगेगी, और अगर आप इस सीरीज को सिर्फ सेक्स के लिए देख रहे हो तो साथ में आपको एजुकेशन भी मिलेगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो शायद आपका कोई ठरकी चूतिया हरामी दोस्त दे सकता है। मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी और आप भी जरूर देखना, लेकिन ये सीरीज सिर्फ आप सेक्स के लिए मत देखना। और अगर इस सीरीज के देखने लायक आपकी उम्र है तो ही देखना, और इतना सब कुछ जानने के बाद आपको पता ही चल चुका होगा कि इस सीरीज को अकेले ही देखना है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर एक्स यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वो बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।